हेलो दोस्तों, मैं आघव हूँ, आपका दोस्त श्रीवंत उपाल। आप देख रहे हैं मेरे चैनल आर्ट लाइट। और आज हम कुछ ड्रॉइंग पेंट नहीं करेंगे, आज हम कुछ बनाना सीखेंगे जो कि है मास्क, स्टाइलिश मास्क। और मैंने कुछ अलग ट्राई करने का कोशिश किया है, कुछ अलग ट्राई किया है जो कि है ब्लैक पैंथर का मास्क। मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया था ब्लैक पैंथर जैसा। देखिए कैसा दिखता है, ये ऐसा कुछ दिखता है, अच्छा ही दिखता है। मैं नहीं जानता कैसा दिख रहा है कैमरा में, पर असली में अच्छा ही दिखता है। ऐसा कुछ हम बनाना सीखेंगे। ऐसा कपड़ा मुझे नहीं मिला था, ऐसा काला कपड़ा इस शेप का, तो मुझे घर पे बनाना पड़ा ये। और ये मैं कैसे बनाया ये आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो पे पूरा। आप वीडियो पूरा जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना ताकि मेरा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने काला कपड़े के ऊपर व्हाइट कलर पेंसिल से आउटलाइनिंग कर लिया है। कैसे हमें ये करना होगा, और यहाँ पर देखिए मैंने इसको फोल्ड करके रखा था क्योंकि इसका दो लेयर्स होगा। वैसे फोल्ड करने पे हमारा मास्क का जो एक साइड का कपड़ा है वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर हमको इस लाइन के अकॉर्डिंग हमको इसे काट लेना पड़ेगा। और ऐसे हम और एक कपड़े के साथ करेंगे, ये सेकंड वाला पार्ट होगा मास्क का, सेकंड साइड का। उस कपड़े के भी साथ हम ऐसा ही करेंगे, ऐसे काट लेंगे। चलिए इसे काट लेते हैं। अब हमारा मास्क का एक साइड का पीस रेडी है, ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा है ये। और ऐसा ही हम दूसरे कपड़े के साथ करेंगे। और ये वाला जो पीस है ना एक्स्ट्रा, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम वो सूतली बनाएंगे जिससे कि हम हमारे मास्क को हमारे चेहरे के साथ बांधे रख सकते हैं। तो दूसरे वाले कपड़े पर हम इस हिस्से का सेम मेजरमेंट ले लेंगे ग्लास मार्क या कलर पेंसिल से। और यहाँ पर मैं सिलाई स्टार्ट करूँगा। अब थ्रेड को नीडल के थ्रू पास करते हैं। तो यहाँ पर हम थ्रेड के छोर पे एक गार्ड बांध देंगे। यहाँ पर मैं नाक से लेकर चिन के हिस्से तक पहले सील लूंगा, नाक से लेके चिन के हिस्से तक। और यहाँ पर दो कपड़े अलाइन कर देंगे, और ताकि मूव ना करे हम इसको क्लिप कर देंगे। एक बार सही पोजीशन में बिठा के हम इसको क्लिप कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे से नीचे से सिलाई स्टार्ट करते जाएंगे, और जितना ऊपर जाएंगे क्लिप को खोलते रहेंगे। और यहाँ पर हमारा पहले पार्ट का सिलाई हो चुका है कॉम्प्लीट। देखिए अब कैसे दिख रहा है। और यहाँ पर हम इस हिस्से से सूतली बांध देंगे, यहाँ पर सूतली को सील देंगे यहाँ से। देखिए मैंने इस टाइप को कैसे काटा है और कैसे फोल्ड किया है, फोल्ड देखिए। यहाँ पर इसको हम ऐसे बिठाएंगे जैसे बिठा रहे ठीक वैसे, ऐसे बिठा के हमको इसे सील देना होगा। यहाँ पर इसका एक साइड का सिलाई कंप्लीट हो चुका है, और दूसरी साइड पे भी हम सिलाई करेंगे। देखिए दूसरी साइड पे भी हम सिलाई करेंगे। और यहाँ पर मैंने कपड़े के एक स्ट्राइप से ही ये पूरा मास्क जुड़ा है। चुक गया, नीडल हाथ में घुस गया, उंगली में घुस गया नीडल, खून निकल रहा है। देखिए खून निकल आया, ये अंदर तक गया है। मुझे अंदर से कैसे एक फील हुआ, दर्द कर रहा है ये। चलिए छोड़ते हैं, हम हमारा काम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
से दर्द कर रहा है थोड़ा बहुत। अब ये हो गया हमारा ऊपर का हिस्सा कंप्लीट, और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे, बैक साइड से मुड़ देंगे। देखिए मुड़ने के बाद ये कितना प्लेन दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसे करके हम इसके नीचे के साइड पे वो कपड़े का स्ट्राइप जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको ना मैंने कंप्लीट होने के बाद धो लिया था, और ये जगह जगह से मुड़ गया था, सिकुड़ गया था, और हमारे पास इस्त्री नहीं था। इसके लिए मेरे मम्मी ने क्या किया, गर्म बर्तन से इसको ऐसे मल दिया ऊपर से, और ये बिल्कुल फ्लैट हो गया इस साइड से, और इस साइड से थोड़ा बहुत मुड़ा हुआ है, तो वो कोई बात नहीं, हम चला लेंगे काम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस साइड को जो है, इस साइड पे हम ग्लास मार्कर और ये कलर पेंसिल जो भी है, इससे हम हमारा आउटलाइन कर लेंगे, जो फैब्रिक का काम होगा वो कर लेंगे, और इस साइड को देख देख के हम अपोजिट साइड में धीरे धीरे से कॉपी करते जाएंगे इस ड्राइंग को, तो थोड़ा सिमिलरिटी आएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो हम हमारा काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ रेफरेंस फोटोज है ब्लैक पैंथर के, तो मैं उसको देख देख के मैं करूँगा। और मैंने ना मास्क को चिन के हिस्से से थोड़ा मोड़ दिया है, ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया, और यहाँ पर एक लाइन रेडी हो गया, तो मैं मुझे समझ आ जाएगा मुझे कहाँ तक करना है काम, उसके लिए मैंने ऐसा किया। और इस साइड के आउटलाइन को देख देख के हम इधर इस साइड पे कॉपी करते जाएंगे धीरे धीरे। आउटलाइनिंग का जो काम है वो कंप्लीट होने के बाद हम हमारा फैब्रिक का जो काम है वो स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे से, क्योंकि हमें एक क्लासिक लुक लाना है, तो हमें धीरे धीरे से संभाल के काम करना होगा। और हमको कलर्स के एजेस को क्लीन रखना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन एजेस होना चाहिए कलर्स का। यहाँ पर काम कंप्लीट होने के बाद हम हमारा मोबाइल से इसका एक फोटो क्लिक कर लेंगे। फोटो क्लिक करना हो गया। फोटो क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको एडिट करेंगे। एडिट पे जाकर, एडिट पे गया, एडिट पे जाकर हम इसको मिरर कर देंगे, साइड बाय साइड मिरर, और इसको सेव कर लेते हैं। सेव हो गया, और पहले का जो पिक्चर है वो हम डिलीट कर देंगे, और इसको देख देख के हम हमारा मास्क का जो ऑपोजिट साइड है उस पर काम करेंगे, तो सिमिलरिटी रहेगा उस पर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसको देख देख कर हम काम करेंगे इस साइड पे, तो इजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। और एक बात हमें ध्यान में रखना होगा कि मास्क के दोनों तरफ जो लाइंस एक दूसरे से टच कर रहे हैं वो दोनों लाइंस अलाइन हो। पर यहाँ पर मेरे देखिए, मैं अब जो किया वो थोड़ा ऊपर है, और पहले जो किया था वो थोड़ा नीचे, तो मैंने वो गलती सुधार लिया है, ठीक कर लिया। और यहाँ पर दोस्तों हम डिटेलिंग एरिया पर फाइनल टचेस दे रहे हैं लास्ट। और यहाँ पर हमारा ब्लैक पैंथर मास्क रेडी है पहनने के लिए और कूल दिखने के लिए।